मेरी क्रिसमस टू ऑल. एज यूजुअल माय नेम इज़ पायल जोशी. मैं आ रही हूँ पुणे महाराष्ट्र से. हमेशा हम लोग ग्रुप लेके आते हैं और हम लोग वैन टूर से डील करते हैं. हमेशा हमको बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होटल्स एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते हैं. आज मैं ग्रुप लेके आई हूँ अराउंड 30-35 लोगों का. वो लोग जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं. एक तो कश्मीर की ठंड क्रिसमस वाली, स्नोफॉल के लिए स्पेशली मैं लेके आई हूँ इन लोगों को. आज हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन के वजह से केक कटिंग और हमने बॉनफायर करवाया यहाँ पर, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश है. वैन टूर्स जो है वो हमेशा हमारे सपोर्ट में रहता है और मेरी कंपनी जो है, हम भी जुपिटर हॉलीडेज वैन टूर्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं. तो और कश्मीर में जब हम ग्रुप लेके आ रहे हैं, कोविड के पहले से हम लेके आ रहे हैं, कोविड के टाइम पे भी कश्मीर में काफ़ी हम लोगों ने ग्रुप किए हैं, वुमेन स्पेशल भी किए हैं. पर अगर आप बोलोगे तो अभी कोविड के बाद से काफ़ी डेवलपमेंट है. हाँ, भीड़ है वो तो रहेगी क्योंकि कश्मीर अभी उतना पॉपुलर होने लगा है. लोग ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं और अभी स्नो में तो बहुत मज़ा आ रहा है. देखिए क्या होता है, एक तो ठंड का मौसम है, हमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है. लेट हो जाए तो ऑब्वियसली रश लगेगा, लाइन लगेगी. ये हम कस्टमर्स को जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनको हम पहले से प्रिपेयर करके लाते हैं कि आपको जल्दी निकलना है क्योंकि दिन छोटे हैं, जल्दी अंधेरा होता है. तो उस हिसाब से हम केयरफुली करते हैं मैनेज. कश्मीर हर बंदे ने देखना चाहिए. जैसे कश्मीर की कंपैरिजन हमेशा स्विट्ज़रलैंड से होती है. मैं खुद स्विट्ज़रलैंड बहुत बार जाके आ चुकी हूँ, बट कश्मीर इज़ माय लव. मतलब कश्मीर जो है उसको हर एक इंसान ने एक्सपीरियंस करना चाहिए. उसका जो नेचर है और जो भी स्नो है, सभी चीज़ें बहुत हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से सुंदर है. वो हर एक ने एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट के लिए मैसेज ये है कि जैसे पहले होता था कि रीज़नेबल, जो एक मिडिल क्लास आदमी भी यहाँ पर ट्रैवल करे. एक किसी हर एक की इच्छा होती है फ़्लाइट में बैठने की. पर अभी जो कश्मीर को कोविड के बाद से जो फ़्लाइट फेयर बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा है. ये आसमान छू चुका है. जो कश्मीर अभी फिगर्स में बताया जाए तो हम 25-30,000 में जो हम इंक्लूडिंग एयर टिकट बेचते थे, वो अभी हमको 50,000 तक जाना पड़ रहा है. हर एक इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता. तो अभी अगर थोड़ा सा फ्लाइट फ्रिक्वेंसी बहुत फ़र्क पड़ेगा. अभी इसके बाद भी फ़्लाइट फ्रिक्वेंसी अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा रखी तो बहुत अच्छा हो जाएगा. बहुत टूरिज़्म बढ़ेगा कश्मीर में और वो बढ़ाना चाहिए. ठीक है, वैन टूर्स बेस्ट है. बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, बेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट वो जो करते हैं, मिस्टर नईम जो है, नईम पुट्टो, ही इज़ अ बेस्ट पर्सन. जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी फुलफिल होती है. तो वैन टूर्स के पास से हर कोई आए तो बहुत खुशी होगी. बहुत अच्छा है. बहुत मीन्स अलग एक एक्सपीरियंस है. एक तो ठंडी बहुत है लेकिन यस, बहुत अच्छा लगा. लोग कल आए थे, कल हाउस बोट पर रुके थे, शिकारा राइड किया था कल हमने. आज हम लोग श्रीनगर मार्केट घूम के आए, लाल चौक वो सब कुछ देख लिया हमने, मुगल गार्डन है देखा, बहुत अच्छा लगा. मीन्स अलग कुछ अभी एक्सपीरियंस है. और अभी हम लोग यहाँ पे बोट किए हैं, मीन्स होटल पर आए हुए हैं. एक्चुअली सिर्फ सुना था कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ आके सच में पता चला कि कश्मीर बहुत सच में बहुत खूबसूरत है. एक्चुअली वी हैव टू मीन्स हमें एक्सपीरियंस करना था कि स्नो कैसा होता है. उसके लिए हमने ये दिसंबर महीना चूज़ किया था फॉर विजिट टू कश्मीर. एक्चुअली अभी यहाँ से वापस जाने के बाद उनको पक्का बोलेंगे एक बार तो लाइफ में जाना ही जाना है कश्मीर. फर्स्ट टाइम जो हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है क्रिसमस, और बहुत अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. माय नेम इज़ डॉक्टर यामिनी. आई एम विजिटिंग कश्मीर फॉर फर्स्ट टाइम. लवली प्लेस, लवली गार्डन्स एंड ब्यूटी इज़ जितना भी बोलेंगे वो कमी है. एंड इट इज़ रियली हेवन ऑन दी अर्थ. हम कहते हैं कि कश्मीर इज़ मिनी स्विट्ज़रलैंड, बट आई से दैट वी शुड से स्विट्ज़रलैंड एज अ मिनी कश्मीर. वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. एक दिन हम लोग अभी, दिस इज़ द सेकेंड डे टुडे, बट बहुत मतलब सुबह से इतने सारे जगह हम गए हैं. बॉटनिकल गार्डन्स गए हैं, जो बाकी जो हम लोगों ने सीनरी देखे, और शिकारा राइड्स किए. सो दिस वॉज ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सो लवली. स्नोफॉल तो अभी हम
कल देखेंगे अगर होता है तो, बट रियली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड माय किड्स आर आल्सो हैविंग सो मच फन हियर. उनके लिए तो ये मतलब 25th दिस डे टुडे क्रिसमस डे इज गोना बी मेमोरेबल थ्रू आउट द लाइफ. बहुत अच्छे है, वेरी पोलाइट, वेरी हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है एंड वी आर लवली, वी आर एंजॉइंग विद जुपिटर हॉलीडेज हियर. फैमिली की तरह ही लग रहा है जुपिटर हॉलीडेज के साथ एंड रियली वी विल अगेन गो विद जुपिटर हॉलीडेज ऑलवेज. आई वुड डेफिनेटली से एवरीबॉडी दैट दे शुड विजिट कश्मीर वंस एट लीस्ट इन द लाइफ टाइम. मेरा नाम है नईम नज़ीर पट्टू, तो मेरी कंपनी का नाम है वैन टूर्स एंड ट्रैवल्स. हमारा जैसे अभी सेलिब्रेशन किया, ये टूर हमारा था क्रिसमस का, तो जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हमने मनाया है यहाँ पे इस होटल में मीर इंटरनेशनल में, तो उस वजह से हम चाहते हैं कि कश्मीर और ज़्यादा प्रमोट हो. जैसे ये सेलिब्रेशन हम मनाए क्रिसमस का, 31 दिसंबर का, या दिवाली का, या ईद का, जो भी है सेलिब्रेशन वो हम मनाएंगे, तो उसके लिए हम ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर. तो इस थोड़ा बहुत मसला ये है टूरिज़म की वजह से कि जो फ़्लाइट का फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है. अगर इसमें गवर्नमेंट हमारी कुछ हेल्प कर देता तो ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है इंशाल्लाह. बहुत ज़्यादा होप है हमें, ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ जाएगा तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आ जाएगा. मेरी मैसेज रहेगी कि आप एक बार कश्मीर आइए और देख के जाइए, हमेशा मेरी ये मैसेज रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है विंटर के लिए, समर के लिए, स्प्रिंग के लिए. स्प्रिंग है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी, आप आइए, हमारी मेहमान नवाजी दी की तरफ से, जेके टूरिज्म की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है. डायरेक्टर साहब के हम बहुत बड़े मशहूर हैं. वैन टूर्स हर एक फैसिलिटी, कौन कौन सी नई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. सबसे पहले वैन टूर्स रिफंडेबल है, जो भी फ्लाइट की वजह से, किसी की वजह से कोई इशू होता है तो क्लाइंट के 100% की पेमेंट की गारंटी रहती है. और हमारी सर्विस, आपने तो अभी देखा ही होगा, हमारी सर्विस हमेशा बेस्ट रहेगी.